अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे मेरे व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार झटपट सी रेसिपी लेके आई हूँ। मैं आज आपके लिए चाइनीज समोसों की रेसिपी लेके आई हूँ। इस मैटर से आप रोल भी बना सकते हैं और समोसे भी बना सकते हैं, एज यू विश। आपने जो भी अपने इफ्तारी टाइम में लेना है आप इस मैटर से वो बना सकते हैं। आप चाहें तो ये कचौरी भी बना सकते हैं, चाइनीज कचौरी। गाइस, मैं अपनी रेसिपी का आगाज करती हूँ और मैं आपको इसकी रेसिपी देती हूँ और मैं आपको बताती हूँ ये मैं चाइनीज समोसों में कौन कौन से मटेरियल यूज़ कर रही हूँ और कौन कौन से वेजिटेबल्स मैंने इसके लिए ली हैं और मैंने इसको किस चीज़ से ग्राइंड किया है। गाइस, आप चाहें तो आप इससे इसको ग्राइंड कर सकते हैं, अगर आप चाहें आपके घर में ये है तो आप इससे कर सकते हैं, वरना अगर आपके घर में ये वाला है तो आप इससे भी कर सकते हैं, एज यू विश। अगर आप चाहें तो आप नाइफ से भी इसको कटिंग कर सकते हैं। मैंने जो है इनको बिल्कुल क्रश किया है, बिल्कुल बारीक, कुछ इससे तो कुछ इससे, ठीक है गाइस। इसकी रेसिपी बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसके लिए हमें वेजिटेबल्स चाहिए। मैंने 3 वेजिटेबल्स में ली हैं, शिमला मिर्च ली है मैंने, गाजर ली है और बंद गोभी ली है, ठीक है गाइस। आपके घर में जो भी वेजिटेबल खाई जाती है वो ले सकते हैं। और इसके नेक्स्ट जो है मैंने चिकन ली है, चिकन बोनलेस है, और इसको भी मैं इससे ज़्यादा छोटा पीस कर लूँगी ताकि इसके जो क्रंच है वो मुँह में आए। और इसमें जो मसाले हैं बहुत ज़्यादा सिंपल डालेंगे, काली मिर्च डलेगी और चिली सॉस डालूंगी और थोड़ा सा सिरका डालूंगी। अगर आपको चाहिए तो आप सोया सॉस भी डाल सकते हैं। चलिए हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। देखिए गाइस, हमने इसमें जो है चिकन को भी शामिल कर लिया है, इसमें तोड़ के डाल लिया है चिकन को वेजिटेबल के साथ। अब इसमें हम जो भी हम इसमें स्पाइसेस यूज़ करेंगे वो हम इसमें अब डालते हैं। देखिए, मैंने स्पाइसेस जो है सारे खोल के रख लिए हैं। अब हम इसमें सबसे पहले 1 स्पून जो है काली मिर्चें इसके अंदर डालेंगे। चले हम अब प्रॉपर अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काली मिर्चें हमने शामिल कर दी हैं। अब थोड़ी सी हम इसमें टेस्ट बढ़ाने के लिए थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें शामिल करेंगे, बिल्कुल लाइट, ठीक है गाइस। अब जो है हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे, ठीक है। और अब थोड़ा सा सिरका, अब इसमें हम थोड़ा सा सिरका ऐड कर रहे हैं। और अब हम नमक इसमें डालेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं, पर अभी इस वक्त रोज़ा है तो इसमें रोज़े में तो इसका मटेरियल पता ही नहीं चलेगा कैसा फ्लेवर है, पर हम एहतियातन डाल देते हैं नमक। और इसके बाद मैंने ऑयल जो है गर्म होने रख दिया। अब इन सबको मिक्स करूँगी और इसमें इसको लाइट फ्राई करूँगी। ये देखिए, मैं 1 स्पून इसमें नमक जो है शामिल करूँगी, क्योंकि नमक अच्छा नहीं डला हुआ इसके अंदर तो फिर ये है कि समोसों में मज़ा नहीं आता। अब इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करती हूँ, फिर ऑयल में इसको फ्राई करेंगे। शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे, क्योंकि ऑटोमेटिक समोसे जो हैं हम ऑयल में ही फ्राई करेंगे। अगर इसको भी हम डीप में करेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। गाइस, मैंने इसको पैन में डाल दिया है, मैं इसको स्लोली फ्राई करूँगी। चिकन जो है कच्ची है, इसको गलने का इंतज़ार करेंगे। वेजिटेबल का इतना इशू नहीं है, वेजिटेबल नॉर्मल भी गल जाएँ तो ओके है। और अब मैंने इतना सारा इंग्रेडिएंट लिया है क्योंकि मैं समोसे बनाकर रख दूँगी। डे बाय डे मैं इसको लेती जाऊंगी। आप भी इसको सेव करके रख सकते हैं, नो इशू, ये ख़राब नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं डला हुआ जो ये ख़राब हो। देखिए गाइस, हमारा बैटर जो है वो डन हो चुका है। हम इसका चूल्हा बंद करते हैं, उसको ठंडा करते हैं, फिर हम समोसों में भरते हैं। गाइस, हमने अपना बैटर जो है निकाल लिया है, अब हम इसको थोड़ा ठंडा करेंगे। और गाइस, इसमें से इस वक्त इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसको थोड़ा ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे, फिर उसके बाद हम जो है इसको समोसों में भरना शुरू कर देंगे। और जो मांडा पट्टी है वो मैंने रेडीमेड ली है, वरना आप घर में भी बना सकते हैं, हमने आपको सिखाई नहीं है। चिकन भी देखिए हमारी बिल्कुल डन हो चुकी है, ये देखिए, ठीक है गाइस। रूम टेम्परेचर पे ही इसको ठंडा करेंगे, फ्रिज वगैरह में नहीं रखेंगे। बैटर जो है थोड़ा ठंडा हो चुका है, मैंने मांडा पट्टी भी निकाल ली है। चले हम इसकी बाइंडिंग करते हैं। देखिए गाइस, हमारे जो हैं समोसे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। हमने भर लिया है समोसों को, अब हम इसको फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा पहले से गर्म हो रहा है, ऑयल ज़्यादा तेज़ गर्म होगा और आँच को हम स्लो रखेंगे तो हमारे जो समोसे हैं बहुत ज़्यादा प्यारे बनेंगे। और मैंने आपको बोला था ना कि बाकी सब जो समोसे हैं वो आपको सेव करना बताऊँगी, हम कैसे नॉर्मली इसको सेव कर सकते हैं जो हम डे बाई डे निकालें। देखिए, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, हमने इसमें जितने हमें समोसे की रिक्वायर्ड थी हमने उतने तल लिए हैं। बाकी मैंने एक ट्रे में प्लास्टिक बिछाई है, नॉर्मल प्लास्टिक है, उस पर पहले एक रेल जो है नीचे लगाई, फिर एक ऊपर लगाई, फिर ऊपर से इस पर प्लास्टिक हमने ढक दी है। देखिए, हमारे मज़ेदार समोसे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं।
जो मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। मैंने इसके साथ मायनीस और केचप रखा है और थोड़ी आलू बुखारी की चटनी रखी है जो हमने आपको अपने चैनल पर सिखा चुके हैं। आई होप गाइज आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप देख सकते हैं समोसे कितने ज़्यादा मज़ेदार बने। आई होप गाइज आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। मिलेंगे फिर किसी आसान और इजी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। बाय बाय।